ये आप देख सकते हैं कि पीछे से गाड़ी लग गई थी, स्लाइड वाले ने मारी। हमारे साथ सबसे बड़ा वाला पोपट हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आज सीन कुछ इस तरह के, हम जा रहे हैं पेशावर, बड़ी व्लॉग भी अपने साथ है और इनका आधे घंटे से पता चल रहा है कि आगे मैं बैठूंगा और पीछे वो भी बैठेगा। तो इनका मसला हल हो गया, अभी डिसाइड ये हुआ कि जो आगे बैठेगा वो हमें पेट्रोल का खर्चा देगा। ठीक है भाई, मगुट ठीक है, अभी ठीक खुद ही, मतलब कि आगे ये बैठा है, अभी ये पेट्रोल का खर्चा देगा। सही है भाई, शाबाश बेटा। तो अभी साथ का वेट कर रहे हैं, जब वो आएगा तो फिर निकलेंगे पेशावर के लिए और अपनी जर्नी का शुरुआत करते हैं। तो अभी हम डालने आए हैं पेट्रोल और इनका पटना पैसे चल रहा है। किस चीज पर पटना चले भाई? पैसे वर्क ही है, पैसे वर्क ही, ये मेरे से लिए हुए पैसे, अभी खुद का नाम करेंगे। मैंने पेट्रोल मैंने तुम्हारे लिए डलवाए, आप कुछ कहना चाहोगे? ना उस रावानी प्रोग्राम कहीं का ना सब रावानी पूरी ना ना दी दी खत्म माल उतरा डोल छे अभी कहने के लिए कुछ लाएगा, हमारे लिए भी निशान मेरे लिए कुछ लाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, सही रे सही रे, बस जल्दी आओ, हम पेट्रोल डलवा दे और कहने के लिए कुछ ला। शर्मी की बोनस की पेशावर। लेकिन आते वक्त काफी एनर्जी थी, लेकिन जब पहुंच गए तो एक वहां पर फौत हो गया, दूसरा यहां बैठा है और तीसरे को मतलब यहां खुजली लगी हुई है और ये नहा के भी नहीं आया। और अभी हम पहुंच गए पेशावर, तो यहां से दवाई शुरू उठाते हैं और फिर दोबारा निकलते हैं, कुछ खाते पीते और ये लौंडा शर्मा आ गया। हमारा लौंडा मेरा क्या तभी लिख पी मना मेरे क्या लगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बस बन के पुलिस अभी आके ठुल्ले खड़े, तो इस वजह से हम व्लॉग नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर रोकेंगे टोकेंगे और फिर समझ रहे हो? अभी हमारे साथ सबसे बड़ा वाला पोपट हो गया। हम दवाई लेने आए थे, दवाई की जो छुट्टी होती है उसको हमने घर में छोड़ दिया। तो अभी दोस्त को कॉल लगाई है, वो लेके आ रहा है, नहीं मतलब वो सेंड कर रहा है, हम आए पेशावर और छुट्टी घर में छोड़ा है। तो इस की वजह से ये काफी मतलब देर करवा रहा था। 10:30 बजे घंटा गाड़ी में लंबा माल्टी मार दी मेरे सोसाई को। तो यहाँ पर कड़ी और हमने दवाई शवाई उठा ली और अभी निकलते हैं आसिम के यहाँ, तो वहाँ पर कुछ खाते पीते और फिर निकलते हैं। अभी अंदर तो उमीदा बची जनसल तो अभी माँ गुटरुल्ला उठ गया है और ये देखे उठते ही कल्लास खाना वाना खा के अभी इसका वो दिखाओ टैटू, ये वो खतरनाक वाला टैटू इसने बना है, वाह देखो हे बिल्कुल इसकी तरह के। अरे कहते तुम पहचान थे कहते मुकम्मल यार जू। तो अभी चलते है घर, रोटे रोटे रोटी तो इसको ले जाते हो, निकलते हैं घर के लिए। ठीक है भाई, तब आगे नहीं। सो अभी चाय वाय पी के हम वहां से निकल आए, लेकिन एक मसला हो गया, गाड़ी डूब गई, पीछे से एक सिलाई वाली ने मारी और ये बंदा अंदर सो रहा था लेकिन उसने गाड़ी वाले को कुछ भी नहीं कहा। ये काफी दयालु इंसान है, ये लोग भी बाहर गए हुए थे, इसको मतलब इसने उसको क्यों छोड़ा ना? दादा दो तुझे क्या लगा जब गाड़ी टुकी? इस तरह के मुर्गे शायद उर्दू में, भाई मेरी ऑडियंस उर्दू वाली है। हाँ उर्दू में बोल। मैं गोरे गोरा था तो फिर गाड़ी ने पीछे तो मार दिया एक चलाई वाला। हाँ गबरा हुआ तो
तो फिर मुझे घबरा हुआ। मुझे देखे सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर मेरे भाई सब्सक्राइबर। तो चलो अभी निकलते हैं। लेकिन इस बंदे ने मेरा काफी नुकसान किया, उस बंदे को छोड़ा क्योंकि मतलब साइको को मारा उसने भाई। क्यों उर्दू में बोले उसका जवाब भाई? नहीं 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 उर्दू 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 मेरी ऑडियंस उर्दू वाली है, कुछ तो नहीं समझती। सो अभी चलते हैं मोटर वे पर और फिर मिलते हैं घर में। कहना चाहोगे कुछ और? नहीं नहीं ये तो रिक्शा है। ओमा गुडुरला फिर तो फिर जाऊंगा घर पे। हाँ रोटी खाऊंगा फिर जाऊंगा रोटी खाऊंगा। अभी खाने का क्या सीन है गाइस? खाने किधर खाएंगे? तो चलो अभी मोटर पर मिलते हैं भाई। सो फाइनली हम मोटर पर चढ़ गए और माँ गुटूर लाडू जी दी। तो अभी मिलते हैं खाने के लिए, कुछ वहां पर रुकेंगे चरसद्दा में। और तू खिलाएगा कि वो खिलाएगा? मैं खिलाऊंगा आलू वाला चिप्स। आलू वाला चिप्स अबे यार हट ना। सो फाइनली हम मोटरवे से उतर गए, ये चरसद्दा टोल प्लाजा है। अभी इधर कुछ खाते पीते फिर निकलते हैं यहाँ से घर के लिए क्योंकि काफी है। क्या ये सारा दिन खाता ही रहता है। क्या आप देख सकते हैं पेट्रोल भी मौका हुआ है, तो पहले चलते हैं पेट्रोल डलवाते हैं फिर खाने के लिए चलते हैं। तो ध्यान से भाई इधर गाड़ी लगती है। तो अभी दुकान मेरे लिए पेट्रोल का खर्चा मतलब ये भरेगा। मतलब तो मेरे पास 100 रुपए है ना मारा, तो मैं खर्चा करूंगा तो अब 100 रुपए मेरे पास जिम में, तो आपको पता चल जाएगा। ये तो सीएनजी में आ गए भाई, ये तो सीएनजी में आ गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो सीएनजी है ना। तो अभी हमें खानमई में यहाँ पर मछली काफी मशहूर है, तो यहाँ पर रुकते हैं कुछ खाते पीते और फिर यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ पर अच्छी बात यह है कि मतलब यहाँ पर फ्रेश मछली पकड़ के ना उसको मतलब फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए वो होटल में से थोड़ा भूल गया है, तो अभी देखते हैं कि वो है कौन सा। देख सकते हैं कि यहाँ पर तालाब बना हुआ है जहाँ पर ये सारी मछलियाँ पकड़ते हैं और फिर उसको मतलब तोल के जो जितना जिसको चाहिए हो ना तो उतना वो मतलब खाते हैं। देख सकते हैं कि ये जिंदा मछली है और ये यहाँ से तालाब से पकड़ते हैं। ये भाई घूम रहा है, ये किसी काट रहे तो ये यहाँ से उठाते हैं मतलब पकड़ते हैं। ये तो अभी मरी हुई है मतलब जिंदा जो है ना वो इस वाले तालाब में आते हैं। तो यहाँ पर जाल फेंककर पकड़ते हैं और फिर फ्राई करते हैं इधर यहाँ पर फ्राई कर। तो अभी जाते हैं खुद के लिए पकड़ते हैं और फिर इसको फ्राई करते हैं। ताजे दी दादा 1000 किलो। आप देख सकते यहाँ पर जिंदा मछलियाँ होती हैं, ये यहाँ पर ये घूम रही है। माशाल्लाह 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 ये आप देख सकते ये जिंदा मछलियाँ घूम रही हैं और फिर यहाँ से ये इधर शिफ्ट होती हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सारी ये इधर घूम रहे हैं दाद। ये देखिए आप मछलियाँ देख सकते हैं यहाँ पर घूमती हैं और फिर यहाँ से पकड़ के ना जो मतलब जिंदे का जितना आर्डर होता है तो वो मतलब उनका उनको उनके लिए फ्राई करते हैं। तो ये अभी भाई कह रहे हैं कि ये 1000 किलो मतलब आई थी तो इसमें 200-300 किलो जो है ना 200-300 किलो तो वो कार्गो के दौरान वो मतलब मर जाती है इधर। ये अभी देख सकते हैं कि ऊपर आ गई है तो ऑक्सीजन का थोड़ा मसला होता है। हाँ हमारी मछली तो और अभी इसको मतलब यहाँ पर साफ करेंगे और फिर वहाँ पर जाएंगे फ्राई के लिए। ये आप देख सकते हैं कि पीछे से गाड़ी लग गई थी सिलाई वाले ने मारी और फिर ऋषान ने उसको कहा कि आप जाओ, मुझे पता भी नहीं था, मैं मेरा समझा कि मतलब ये मजाक कर रहा है लेकिन वो सही में लगे यार काफ़ी दुख होता है। इससे कोई मतलब वो नहीं कि मैं उससे मतलब नुकसान लेता है इसका, लेकिन बंदा रुके खुद तो कहे ना कि यार भाई सॉरी तो वो चला गया। पर खैर इसी में मतलब बरकत होगी गाना गाने के लिए। और ना सीखे ना और तो मसला क्या चल रहा है जियोलॉजी का क्या मसला तो ये तो बता सकता है। तो ये तो
अरे कहना क्या चाहते हो? उर्दू भाई मेरी ऑडियंस उर्दू वाली है। जी टिकटाने को अरे चिनुम को वर्दी करना सो अभी मकाना माना खाते हैं सर मिलते हैं मेरे काफी दूर है चलिए हमारा खाना आ गया मछली और रायता वायता और क्या हो अभी ये वो लोग हैं ना कि खाने से पहले तो पेट से पहले ये स्नेप पर जाती है ये खाना तो ये अभी लग गए खाने तो खाना फिनिश करते हुए फिर निकलते हैं घर क्योंकि टाइम काफ़ी लेट हो गए मेरे ख्याल से 11 हो गए तो गाइस खाना तो माशाल्लाह ख़त्म कर लिया अभी मैं आपको नैप का मतलब वो दिखाता हूँ ना तो ये देखे ये इसने अकेले ही खा लिया ये देखे अभी भाग रहा है और कह रहा था कि मतलब मैं नहीं कहूँगा और अभी अकेले इसने मतलब इतना ठूस लिया तो लग दी रहा तेरे मुंह में भाई साहब मैंने कह रहा तो मैंने सिर्फ चिकनी का है बस चिकनी का है खुदा का बस मंगाया तो पख्तो के खबर का और गुड़े बीमारी तो कैसा है दे पार्टू पार्टू आप क्या आप क्या अब इधर कम गड़बड़ी बकवास है तो अभी कह रहा है कि मैं चक्के साथ कर रहा हूं और ये भी देखे ये भी कह रहा है कि मैं ये घर ले जाऊंगा ये किरण नहीं है नाइप कह रहा है कि मैं इसको घर ले जाऊंगा तो टाइम काफ़ी लेट हो गया तो अभी गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और निकलते हैं घर के लिए क्योंकि टाइम काफ़ी देर हो गया घर से कॉल भी आ रही है हाँ तो अभी तो अभी आज काफी बगा लिया पेट्रोल भी हो गया तो अभी निकलते हैं घर के लिए फाइनली वी आर इन अवर मोहल्ला न्यू बाबा खेल तो अभी पहुंच गए घर काफी थके हुए हैं और इन्होंने खाता में खा ली थी तो पिताजी की गाल आ गई तो अभी गाड़ी को कड़ी करते हैं और करते हैं क्या कहते हैं करते जाते फिर जाते करते अभी मुझसे दरवाजा खोल रहे कह रहे कि तुम अंदर आओ तेरे लिए एक सरप्राइज है तो देखते हैं क्या सरप्राइज है भाई मुझे तो पता नहीं हाँ नहीं नैब नैब कह रहे नैब कह रहे तो पता नहीं क्या सरप्राइज है ओ मागू टूरुला ये तो गाड़ी खड़ी हुई मेरे ख्याल से कल नहीं ये तो यहाँ पर गाड़ी ना गाड़ी खुद रही की गाड़ी तो खड़ी होगी लेकिन मसला ये है कि कल मेरे ख्याल से यहाँ पर रास्ते में काम शुरू होगा तो गाड़ी को तो फिर हुजरे ले जाना पड़ेगा सो गाइस थैंक यू बाय बाय टाटा गुड नाइट फाइनली हुजरे पहुंच गए समझ रहे हो पहुंच गए तो अभी इनसे अलविदा लेते हैं और निकलते हैं चलो भाई मागू टुरु लाडू मैं तो कह रहा तो कुछ देर बाद तो आप तो चले जाए तो घर पे आपको दवा तरह से देर करता है ना तो लाड देखो कोटा पर दिवस कटा पर देखो मासा रवान देगा ना जूम होता है तो अभी हम चलते हैं अभी घर में मिलते हैं भाई बस बाय बाय टाटा भाई तो आप पखराली करते हैं नहीं तेरे साथ नहीं करते गजब बेइज्जती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुंसिफ को घर ड्रॉप कर दिया उसको उधर ही छोड़ दिया तो वो अपने घर चला गया मैं अपने घर आ गया थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मतलब ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर आने वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे बर वक्त और आप देखें बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने के लिए और आज के लिए इतना ही मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में थैंक यू सो मच